हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। ये इतनी ज़्यादा जो भीड़ है लोगों की, पुलिस की, ये कहाँ पर है? कलेक्ट्रेट में। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर बांदा शहर से सटे गांव कहला के लोग यहाँ पर दरख्वास्त देने आए हैं डीएम को। उनका आरोप है कि प्रशासन ने आज से 6 महीने पहले उनके घर गिरवा दिए, ये कह करके कि वहाँ पर वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। जब लोगों से बातचीत की गई तो उनसे पता चला कि वो लगभग 25-30 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और अब जा कर के प्रशासन का ये कहना है कि वो अवैध रूप से रह रहे हैं। घर तो गिरवा ही दिए, साथ में उनको हर्जाना भरने के लिए नोटिस भी भेजी गई। समस्या इस बात की है कि प्रशासन ने बगैर नोटिस दिए उनके घर गिरवा दिया, ऐसे लोगों का कहना है, इन लोगों का कहना है जो लोग दरख्वास्त देने के लिए आए हैं। लगातार धरना के ऊपर धरना किए जा रहे हैं लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम यहाँ इसलिए आए हैं, हमारे 6 महीने पहले से मकान गिरा दिए गए, एक भी सामान भी नहीं बचा, हमारा सारा टूट गया है। बताओ, ठंडी से पहले ऐसे ठंडी में मरते रहे, यहाँ से भगा दिया, शासन दे दिया कि चलो वहाँ करवाएंगे, वहाँ कुछ नहीं, 6 महीने से अभी कुछ नहीं। अभी दोबारा गए तो दोबारा भी वो मकान गिरा दिए गए, फिर हमें कह रहे हैं, वो लेखपाल कह रहा था कि देंगे, अभी शासन दे रहे हैं, कोई दे नहीं रहा, कोई हमारी सुनाई नहीं है, फिर इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। उसमें आ गए हैं, वहाँ बैठे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं। अब उस दिन गए थे डीएम, जो कोई गया हो हमें मालूम नहीं है, तो वो गए थे तो कह रहे थे कि ठीक है तुम्हारा फैसला हम करवा देंगे। अब ऐसी धूप में बैठे हैं, हमें कोई सुनाई नहीं है। और घर कब गिराए? घर ठंडी में गिराए गए थे, 6 महीने। कोई कुछ सूचना नहीं, कोई कुछ बात नहीं, मतलब हम लोग काम में चले गए थे, हमारा घर सब नष्ट कर दिया, मैं गृहस्थी से सब बर्बाद कर दिया हमारा। आपका भी घर गिरा दिया गया? मेरे पूरे गिरा दिए गए। कब की बात है? 17 दिसंबर की। वहीं नहीं आते, गिराने नहीं देते रहते, पूरा 20-25 पूरी फौज लेके गए थे, पूरे सारे अधिकारी, अब फोटो भी रखी सब रखा पूरा पारू, मना करते थे कोई माने नहीं है, नल भी उखाड़ के फेंक दिया है, जिद में नहीं है। इसे हमने क्या किया, इसे प्रशासन के हमारे साथ ऐसे सलूक किया है, और सब लोगन का मारते हैं, अभी जाते हैं, अभी भी धमकी देते हैं, मार के भगाते हैं, सब करते हैं, कुछ वहाँ की नहीं रह गया। हमारे खावे का चून सामान सुंदर नहीं निकालने दिया, गाड़ी घोड़ा आदमी के, गरीब आदमी के ठगे रहे, मजदूरी में गए थे, 2 घंटा के मोहलत मांगा, मोहलत भी नहीं दिया, सीधा गिरा दिया लेके जेसीबी, दो दो मिला के। प्रधान आते, लेखपाल आते, तहसीलदार आते, एसडीएम आते, पूरे सारे अधिकारी आते। पहले सवेरे गए, दूध नाश्ता पी के खा के आए, हमसे बोले आप लोगन गरीबन के हम सेवा कर रहे हैं, नल गड़वा देंगे, लाइट लगवा देंगे, जंगल में पड़े कीड़ा फतिंगा, और बस इसके बाद हम लोगन के दस्तखत करा के 10 मिनट बाद लेके पूरा मकान जाके ढीली कर दिए। अभी भी देख लो, इसे पन्नी डाल ले रहे, छपड़ी छपड़ा बना के ईटा गर के रह रहे मकानन में, जैसे तैसे उनका भी जाके दोबारा जाके गिरा रहे, कहीं भी पता लगा लो कहीं कुछ के नहीं है, जब भी तो आज जंगल में पड़े हैं, ऐसे पानी में बरसा में वगैरह में खुला में पड़े हैं। हमारे घर कह रहे हैं कि वहाँ अवैध कब्जे में बने हुए हैं। कब से आप रह रहे हैं? हम वहाँ से आज से 25 साल हो गए रहते हुए, और हमारे नाम के, बाबा के नाम के पट्टे थे शुरू से, हमको आज तक ये आश्वासन नहीं हुआ कि हमारे पट्टे खारिज हो गए हैं। जब से हम वहाँ से गुजर रहे हैं, आज भी हमारे जो है वहीं से, आज हमको पता चला है कि हमारे जो है पट्टे यहाँ से खारिज हो चुके हैं, और इन्होंने जबरदस्ती दबंगी के साथ, ना कोई नोटिस ना कोई सूचना दिया, और फिर भी पर में हमारे मार मकान ध्वस्त करा दिया। कहते हैं ये तो अवैध कब्जे में तुमने अवैध किए हो, तुमको तो जुर्माना भरना पड़ेगा, ऊपर से हमारे खिलाफ 360,000 की नोटिस भी दिए हुए हैं और मकान तोड़ दिए हैं। ये कि आप अवैध कब्जे में किए हो, इसका लिए आप हमारे लिए नोटिस भी दिया, और हमारे हैंडपम्प, 2 हैंडपम्प भी उखाड़ लाए हैं वहाँ से, सारी सामग्री जो थी उस तरीके की वो भी ले आए हैं, बाकी लोग हमारे वहाँ मौके में नहीं थे जब हमारी बस्ती ध्वस्त की गई है। हम बस मंजूरी करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा 40-45 लोग के घर हैं जो गिराए गए हैं, जामा से 5-6 मकान शेष हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारे वहीं के वहीं सेव कर दिए जाएं, और बस हमारी ये मांग है। ये 23 तारीख से ये लोग अनशन पर बैठे हैं,
तो कल हमारी इनसे मुलाकात हुई थी तो कल भी आए थे, डीएम साहब नहीं मिले थे, और आज भी आए हैं तो डीएम साहब नहीं मिले। 23 तारीख से लोग अनशन पर बैठे हैं। 23 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट साहब गए थे कि हम डीएम साहब को बुलाते हैं और आपकी मांगे सुनते हैं, तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं गया है। ये लोग भूखे प्यासे बैठे हैं अनशन पर, और 6 महीने पहले इनके घर गिरा दिए गए थे। एसडीएम साहब स्वयं गए थे, बुलडोजर लिवा करके गए थे, इनके मकान गिरा दिए गए थे। इनको आश्वासन दिया गया था कि आपको दूसरी जगह आपको आवास बनवा के दिया जाएगा। ना इनको 6 महीने से ना तो इनको आवास मिला है, ना तो कोई पानी की सुविधा है। ये लोग खुले मैदान में महिलाएँ रह रही हैं, चाहे इनको सांप काटे, चाहे बिच्छू काटे, चाहे इनके कोई इज्जत से खिलवाड़ करे, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारे अधिकारी सोए हुए हैं। उनको बालू प्यारी है, उनके बालू माफिया प्यारे हैं। यहाँ के विधायक सांसद सब बालू में लिप्त हैं, इसलिए हम गरीबों की महिलाओं की कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर 3 दिन तक, 3 दिन का हमने टाइम दिया है, अगर 3 दिन में इनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। उनने जो शिकायती प्रार्थना पर दिया है ज्ञापन के रूप में, वो जिस संबंधित तहसील को भेजा जाएगा और जो भी उसमें संबंध कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।